हेलो नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो बताने वाले कि ABCID में नया अपडेट आ गया दोस्तों। अभी नया अपडेट आया दोस्तों। अब यहाँ पर ABCID को बनाना हो या अपडेट करना, करेक्शन करना हो, कुछ भी चेंज करना, DAV नाम सभी चेंज करना हो, तो दोस्तों आप कैसे यहाँ पर करना पड़ेगा, आपको क्या क्या प्रोसेस आपको करना है। अब दोस्तों फॉर्म में यहाँ पर आपको यहाँ पर कोई पॉइंट आ गए या फॉर्म को आपको सही तरीके से भरना होगा। यहाँ पर कुछ भी अगर अपने आप से कुछ भर देते हैं तो आपको आगे चल के बहुत परेशानी आएंगी दोस्तों। तो यहाँ पर फॉर्म में क्या भरना, सारा प्रोसेस वीडियो में दोस्तों मैं बताने वाला हूं। अगर चैनल पे दोस्तों पहली बार सब्सक्राइब करना दोस्तों और बेल आइकन को प्रेस करना, इससे ऑनलाइन अपडेट आपको मिलती रहेगी ABCID के रिलेटेड, क्योंकि इस चैनल पे पहले अपडेट मिल जाएगी। ABCID में कोई बदलाव होगा तो आपको पहले अपडेट मिल जाएगी, आपको पहली नोटिफिकेशन वीडियो मिल जाएगी। चलिए आपको लाइव स्टार्ट करके आपको शुरू दिखाते हैं दोस्तों क्या क्या आपको फॉर्म में भरना है, यहाँ पर नया कैसे बनाना है और क्या क्या यहाँ पर दोस्तों अपडेट कैसे करेंगे, करेक्शन करना, सारा प्रोसेस वीडियो में दोस्तों बता दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ABC अपडेट करना हो या करेक्शन करना हो या नया बनाना हो तो आपको पहले डिजी लॉकर पे अकाउंट बनाना होता है, तभी आप पे ABCID में आप कोई भी काम कर सकते हो या बना सकते हो। तो आपको डिजी लॉकर पे अकाउंट करने से बनाते हैं, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, आप जाके वहाँ से देख सकते हो दोस्तों कैसे, बिल्कुल आसान है डिजी लॉकर पे अकाउंट बनाना। तो आपको दोस्तों यहाँ पर डिजी लॉकर पे अकाउंट बनाने से पहले आपका जो आधार कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए, तो आपको ABCID में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। अगर आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक रहेगा तो आपको पहले करा लेना है, अगर आप ABCID अभी नहीं बना रखे हैं तो। तो आपको दोस्तों यहाँ पर इस तरह के यहाँ पर लॉगिन कर लेंगे। डिजी लॉकर पे अकाउंट बनाने के बाद आपको सर्च का एक आइकन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने यहाँ पर जैसे सर्च का यहाँ पर आइकन मिलेगा आपको, सर्च फॉर डॉक्यूमेंट्स, इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर दोस्तों आपको सर्च फॉर डॉक्यूमेंट्स इस पर ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर लिखना है आपको ABC, आप लिखेंगे यहाँ पर ABCID कार्ड का ऑप्शन आ जाएगा दिल्ली, आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक कर देने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं डिजी लॉकर पे जो भी आपका नाम वगैरह जो भी चीज़ है यहाँ पर आ जाएगा। आप देख सकते हैं डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, यहाँ पर नाम, और यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर ABCID में भरने का फॉर्म, यहाँ पर देखिए तरीका ही पूरा चेंज हो गया है। अब यहाँ पर क्या क्या यहाँ पर आ गया लोग, आप देख सकते हैं यहाँ पर एडमिशन ईयर, यहाँ पर दोस्तों एडमिशन ईयर में क्या स्टूडेंट डालेंगे आप जानते हैं। यहाँ पर पॉइंट वाली बात आप देख सकते हैं, एडमिशन यहाँ सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है। अब यहाँ पर सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर 2013 तक का यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। तब यहाँ पर दोस्तों आप एडमिशन आपने लिया हुआ है, जिस ईयर में लिया हुआ है एडमिशन, अभी तो उसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हैं, तो आपको वही आपको सन यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा, यहाँ पर ईयर सेलेक्ट करना होगा। अगर मान लीजिए आप 2023 में यहाँ पर एडमिशन लिए हैं तो आपको 2023 ही यहाँ पर सिलेक्ट करना है। मान लीजिए आप 2022 में यहाँ पर एडमिशन लिए हैं तो दोस्तों 2022 को सिलेक्ट करना होगा। मान लीजिए आप 2020 में एडमिशन लिए हैं उसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हैं तो आपको यहाँ पर 2020 ही सिलेक्ट करना होगा दोस्तों। अगर यहाँ पर नया एडमिशन कराएं या किसी यहाँ पर यूनिवर्सिटी या कॉलेज में आप चेंज कर दिए हैं तो आपको यहाँ पर अपना ईयर, जिस ईयर में आप एडमिशन लिए वही आपको डालना है। चलिए मान लीजिए हमने 2023 में लिया, इस प्रकार से आपको अपना सिलेक्ट कर लेंगे अपने हिसाब से जो भी अपने ईयर, वो एडमिशन ईयर यहाँ पर देख सकते हैं एडमिशन ईयर बताया गया है, तो एडमिशन ईयर आपको सिलेक्ट करना होगा। अब देख सकते हैं यहाँ पर एक ऑप्शन और आया, यहाँ पर आइडेंटिटी टाइप, अब इसमें दोस्तों आपको क्या भरना पड़ेगा, सिलेक्ट यहाँ पर आइडेंटिटी टाइप में आपको यहाँ पर क्लिक करना है, यहाँ पर एक तीर का निशान है, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन आ रहे हैं, पांच ऑप्शन आ रहे हैं यहाँ पर रोल नंबर का, रजिस्ट्रेशन नंबर, रिनोलमेंट नंबर और न्यू एडमिशन नॉन का। तो यहाँ पर दोस्तों रोल नंबर के मतलब क्या होता है, यहाँ पर रोल नंबर आप एडमिशन लिए हैं होंगे, एडमिशन आप ले लिए हैं तो आपको रोल नंबर मिल गया होगा दोस्तों। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर, अगर यहाँ पर दोस्तों आपको एडमिशन आप अभी नहीं लिए, रजिस्ट्रेशन नंबर आप जैसे अप्लाई करते तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है, तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर सिलेक्ट कर देना है। अगर मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर इनरोलमेंट नंबर, जब आप अप्लाई करते हैं तो कोई यहाँ पर स्लिप इनरोलमेंट नंबर आपको मिलता है, तो वो इनरोलमेंट नंबर आप यहाँ पर डाल सकते हैं सिलेक्ट करके। अगर मान लीजिए आप न्यू एडमिशन लिए हैं तो आपको यहाँ पर न्यू एडमिशन पे आपको सिलेक्ट करना है, यहाँ पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर दोस्तों मान लीजिए नोन, आप कुछ भी नहीं लिए तो यहाँ पर नोन करके आप यहाँ पर ID को क्रिएट कर सकते हैं। मान लीजिए आपको कुछ नहीं पता है, अगर कुछ नहीं आपने लिया है तो आप यहाँ पर नोन पर क्लिक करके आपके लिए ID को क्रिएट कर सकते हैं, ये बाद में आप इसको अपडेट भी कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर कोई डरने वाली बात नहीं है। लेकिन मान लीजिए आपको रोल नंबर मिल गया तो रोल नंबर डालना है। मान लीजिए आपने एडमिशन अभी नहीं मिला, रजिस्ट्रेशन फॉर्म का यहाँ पर देखिए नंबर आपको अगर अप्लाई करते तो रजिस्ट्रेशन नंबर कोई आपको मिलता है वो नंबर यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं दोस्तों, इनरोलमेंट नंबर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अब न्यू एडमिशन वाले क्या सिलेक्ट करेंगे, इस पर अगर क्लिक करते हैं आइडेंटिटी टाइप में, अब आपको जो भी यहाँ पर अप्लाई करते हैं फॉर्म में तो आपको यहाँ पर कोई है आपको एप्लीकेशन नंबर, इनरोलमेंट नंबर मिलता है वो आपको डाल देना है। अगर कुछ भी नहीं समझ आता तो यहाँ पर आपको आधार कार्ड और नंबर आप अपना फिल कर देंगे, तब भी आपकी ABCID क्रिएट हो जाएगी, तो आपको यहाँ पर वो चीज़ डाल देना है दोस्तों। आप बिल्कुल समझ गए होंगे मेरी बात से। आप जैसे अगले स्टेप पर आपको क्या करना है,
अब वही चीज़ दोस्तों जो आप सिलेक्ट किए वही चीज़ आपको यहाँ पर डालना है, एनरोलमेंट नंबर या रोल नंबर ये सारी यहीं पर आपको डालना है आइडेंटिटी वैल्यू में। तो दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन आ गया सिलेक्ट इंस्टीट्यूशन नेम। अब यहाँ पर आपको यहाँ पर देख सकते हैं थ्री डॉट का, यहाँ पर इस पर आपको थ्री वालों पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर दोस्तों पहले क्या होता था, यूनिवर्सिटी और कॉलेज यहाँ पर अलग अलग सिलेक्ट करना होता था, तब आपको यहाँ पर ढूंढने में आसानी हो जाती थी। लेकिन यहाँ पर दोस्तों अब आपको यूनिवर्सिटी और कॉलेज को एक ही में यहाँ पर कर दिया गया है। अब यहाँ पर दोस्तों एक ही में आपको मिल जाएगा, देख सकते हैं यूनिवर्सिटी भी दे रखा है दोस्तों यहाँ पर, और यहाँ पर नीचे आएंगे यहाँ पर कॉलेज भी दे रखे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर नीचे और आएंगे यहाँ पर कॉलेज भी दे रखे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर कॉलेज भी, यानी दोनों चीज़ यहाँ पर एक ही में ज्वाइंट हो गया है। अब यहाँ पर एक ही में आपको सर्च करना पड़ेगा। मान लीजिए आपको ए बी सी आई डी नहीं, आपकी कोई आपका यूनिवर्सिटी आपको कॉलेज नहीं मिल रहा है, तो आपको यहाँ पर दोस्तों आप अपना स्टेट को सिलेक्ट करके यहाँ पर आपको देख सकते हैं सर्च का आइकन एक दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना। मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश से हैं, तो मान लीजिए उत्तर प्रदेश यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर इतना ही लिखते हैं आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश की सारी यूनिवर्सिटी या कॉलेज यहाँ पर आ जाएंगे। मान लीजिए आप दोस्तों यहाँ पर दिल्ली से हैं, मान लीजिए दिल्ली से हैं, तो यहाँ पर दिल्ली की सारी यूनिवर्सिटी, इस तरह से आपको आसानी हो जाएगा यहाँ पर कॉलेज यूनिवर्सिटी को आप सिलेक्ट करने में। तो इस तरह आप ढूंढ सकते हैं दोस्तों, तो इस प्रकार से आपको सिलेक्ट कर लेना है। मान लीजिए आपका मेरा, मान लीजिए आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है दोस्तों, हमने ए बी सी आई डी यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट कर दिया है। अब दोस्तों यहाँ पर हम गेट डॉक्यूमेंट्स पे आपको क्लिक कर देना दोस्तों, आपकी ए बी सी आई डी क्रिएट हो जाएगी। गेट डॉक्यूमेंट्स पे क्रिएट देने के बाद आपकी ए बी सी आई डी क्रिएट हो जाएगी दोस्तों। यहाँ पर करेक्शन कुछ भी करना हो तो आपको इसी तरह से करेक्शन भी कर सकते हैं, यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए ए बी सी आई डी आपकी बनी हुई है तो आप यहाँ पर अपडेट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों आपको आना है, ए बी सी आई डी को पहले डिलीट कर देना है आपने, और यहाँ पर तब आना है आपको दोस्तों, यहाँ पर अपना ईयर सेलेक्ट करना है, यहाँ पर अपना ये आइडेंटिटी टाइप सिलेक्ट करना है, ये सारा सिलेक्ट करके आपको अपडेट कर लेना है, ठीक है दोस्तों। अपडेट कर लेंगे तो और अच्छी रहेगा, इसमें नई नई यहाँ पर अपडेटिंग आती रहती है दोस्तों, तो आपको पहले इस नोटिफिकेशन आपको वीडियो मिल जाएगी। आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, यहाँ पर गेट डॉक्यूमेंट्स पर हमको क्लिक कर देना है। गेट डॉक्यूमेंट्स पर आपको क्लिक करना है, आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, प्रोसेसिंग लेगा दोस्तों, फेचिंग लेगा। आप देख सकते हैं ये हमारा फेचिंग हो रहा है, अभी फेचिंग होकर यहाँ पर देखिए अपडेट हो जाएगा, तो ये फेचिंग हो गया। फेचिंग हो जाने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर नीचे आ जाएगा, अब यहाँ पर ए बी सी आई डी आप देख सकते हैं, ए बी सी आई डी कार्ड अब यहाँ पर लिखा हुआ। अब आपको यहाँ पर थ्री बिंदु है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर थ्री बिंदु पर आपको यहाँ पर दोस्तों आपको पी डी एफ वाले व्यू पी डी एफ इस पर आपको क्लिक करना है। मान लीजिए अगर ए बी सी आई डी को अपडेट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर डिलीट कर देना है, डिलीट करके आप उसके बाद दोस्तों इसी तरह से प्रक्रिया आपको करना है, ए बी सी आई डी आपकी अपडेट हो जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर ए बी सी आई डी को यहाँ पर देखना है, डाउनलोड करना है, तो आपको बी पी डी एफ वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जो भी आपके आधार कार्ड में फोटो है वो आपको यहाँ ऑटोमेटिक देखने को मिल जाएगी ए बी सी आई डी पे। आप देख सकते हैं पहले यहाँ पर फोटो का ऑप्शन भी नहीं था, अब यहाँ पर ए बी सी आई डी यहाँ पर देखने को मिल जाती है, फोटो आपको लगी हुई। तो आपको दोस्तों यहाँ पर ए बी सी आई डी नंबर यहाँ पर लिखा होता है, ये भी ए बी सी आई डी नंबर आपको एडमिशन में या कोई कॉलेज में आपको यही नंबर आपको डालना होता है दोस्तों। यहाँ पर डरने वाली पहली आपको मैं बता देता हूँ, ए बी सी आई डी अगर कभी भी आप अपडेट करते हैं या डिलीट करके दोबारा बनाते हैं तो आपको डरने वाली बात नहीं है, आपकी ए बी सी आई डी नंबर वही रहेगा, चाहे आप जितनी बार ए बी सी आई डी को अपडेट करें या डिलीट करेंगे, लेकिन आपका ए बी सी आई डी नंबर नहीं चेंज होगा, आपका ए बी सी आई डी नंबर वही रहेगा दोस्तों। अब यहाँ पर कोई भी करेक्शन करना हो या कुछ भी करना हो तो बहुत से लोग कहते हैं कि ए बी सी आई डी नया बन जाएगा, लेकिन नए नए बनेगा दोस्तों। जैसे आधार कार्ड अपना बना हुआ है आपका 12 अंक का, उसी तरह आप आधार कार्ड में मान लीजिए करेक्शन करते हैं फिर भी आपको आपका आधार नंबर वही रहता है, लेकिन आपका आधार नंबर नहीं चेंज होता है। इसी तरह ए बी सी आई डी भी यहाँ पर बनाई गई है आइडेंटिटी टाइप में, तो आपका ए बी सी आई डी नंबर आपका चेंज नहीं होगा, आपको डरना मत। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बाकी सब आपका करेक्शन हो जाएगा दोस्तों। अब जैसे तो यहाँ पर डाउनलोड करना हो तो यहाँ पर डाउनलोड का एक आइकन मिला है, इस पर आपको क्लिक कर देना है, ये आपके डाउनलोड है आपके फाइल मैनेजर में, आपके फाइल में आपके फ़ोन में सेव हो जाएगा, तो आपको डाउनलोड करके आपने रख लेना है दोस्तों, कहीं देना हो तो आप दे सकते हैं दोस्तों। तो आई होप दोस्तों इस प्रकार से आपको अपडेट करना है या नया बनाना हो तो इसी प्रकार से आपको बनाना है। मेरी वीडियो आपको पसंद आएगी, पसंद है मेरे चैनल सब्सक्राइब करना, लाइक करना, बेल आइकन को प्रेस करना, अच्छा लगे तो एक कमेंट करना दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों नए टॉपिक पर।